Good morning, students. Hope you all are doing good. Today we'll do the second part of the chapter 3, A Day with Nandu. In the previous part, we have discussed about the elephant herd. Now we'll continue the chapter. Fun and games. Nandu saw his brothers and sister pulling each other's tail. He thought, I better not go near them. What if they fall on me? सो नंदू ने देखा कि उसके ब्रदर सिस्टर जो उसके कज़न्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की टेल को पुल कर रहे हैं. उसने सोचा कि मुझे उनके पास नहीं जाना चाहिए, अगर वो मेरे ऊपर गिर गए तो फिर क्या होगा. आई एम स्टिल स्मॉल, क्योंकि मैं क्या हूँ, अभी भी बहुत छोटा हूँ. ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर एंड फिर चुपचाप क्वाइटली एकदम अपनी मामा के पास आके खड़ा हो गया. अम्मा जेंटली पुश्ड नंदू towards the water as if she was telling him to go and play. और अम्मा ने क्या किया, उसको gently आगे की तरफ push किया और वो चाहती थी कि वो आगे जाए और play करे. Nandu loved to play in the water. His cousins were already there. Just as he reached near, a strong fountain of water fell on his head. He got wet. So नंदू को भी वाटर में प्ले करना बहुत पसंद है और उसके कज़न सारे ऑलरेडी वाटर में थे. सो वो भी उनके पास चला गया और जैसे ही वो उनके पास पहुंचा, उसके सर के ऊपर क्या हुआ, एक वाटर का फाउंटेन उसके ऊपर आके गिर पड़ा और वो पूरा गीला हो गया. ओ दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कज़न्स. और ये वर्क किसका था, उसके नॉटी कज़न का था. उसके कज़न ने अपने ट्रंक में वाटर फिल किया एंड उसके ऊपर स्प्रेड कर दिया जिससे वो वेट हो गया. Nandu joined them in the game. और नंदू ने भी उनको उस गेम में join कर लिया. So animals क्या होते हैं, like elephant वो कैसे play करते हैं, water से और mud से play करते हैं. Before sunset the herd started back towards the jungle. और sunset होने से पहले पहले वो लोग कहाँ वापस मुड़ गए, वो जंगल के साइड वापस मुड़ गए. By then Nandu was very tired. और वापस आते आते Nandu क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा tired हो गया था because he played a lot. He settled himself between his mother's front legs and fell asleep as he drank her milk. So जब भी वो बहुत ज़्यादा tired हो गया था तो उसने खुद को कहाँ settle कर लिया, उसने अपनी मामा के front leg के बीच में खुद को settle कर लिया और milk drink किया और फिर सो गया. You have read about Nandu and the elephant herd. An elephant herd has mainly females and baby elephants. So students, आपने Nandu के और उसके herd के बारे में study किया. So elephant herd में क्या होती है, mainly females होती हैं and baby elephants होते हैं. The oldest female in the leader is the leader of the herd. और जो oldest female होती है वो क्या होती है, herd की leader होती है. और उनके herd की leader कौन थी, Nandu की ग्रैंड मदर थी, नानी माँ थी. अ हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल्स एलिफेंट्स एंड यंग वंस. और एक हर्ड में एलिफेंट का जो झुंड होता है उसमें 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स होती हैं और बच्चे होते हैं, बेबी एलिफेंट्स होते हैं, यंग वंस होते हैं. मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14 or 15 ईयर्स ओल्ड. एंड जो मेल एलिफेंट्स होते हैं वो कब तक हर्ड में रहते हैं, जब तक वो सिर्फ 14 or 15 ईयर्स के होते हैं. After that they leave the herd. Then they leave their herd and move around alone. और उसके बाद फिर वो herd को leave करते हैं और अकेले ही रहते हैं. Nandu will also leave his herd when he is that old. And Nandu भी अपने herd को क्या कर देगा, छोड़ देगा जब वो कितने years का हो जाएगा, when he'll be 14 or 15 years old. So students, like a group of elephant is called herd. Same अ ग्रुप ऑफ कैटल, कैटल मीन्स जो शीप्स होती हैं, भेड़ बकरियां जो होती हैं उनके ग्रुप, वो क्या होता है, कैटल बोलते हैं हम उसे. सो अ फ्लॉक ऑफ कैटल, अ शोल ऑफ फिश, अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, अ स्वॉर्म ऑफ बीज. तो कैटल्स के ग्रुप को, फिश के ग्रुप को, पिजन्स के ग्रुप को, बीज के ग्रुप के लिए भी सबके लिए डिफरेंट नेम्स होते हैं. सो अ फ्लॉक ऑफ कैटल, अ शोल ऑफ फिश, अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, अ स्वॉर्म ऑफ बीज. So students, as like elephants, some other animals also live together in groups. These animals groups are called herds and some groups are having different names as we discussed earlier.
Animals in herds usually move around together searching for food. Basically, animals group में क्यों move करते हैं? In the search of food and for safety and security. Okay? Our next topic is, what do they say? Look at these pictures and read what these animals are sharing with their friends. The basket is the only home I have. I have forgotten what it is like in the open jungle and fresh air. For me, it is the only the basket and the snake charmer. So here the snake is sharing the things with his friends. Like, अभी मुझे क्या है? सिर्फ मुझे basket के बारे में ही बताया कि बस मैं सिर्फ basket को जानता हूँ या फिर snake charmer को जानता हूँ. I don't know कि jungle कैसा है. मैं तो भूल भी चुका हूँ कि jungle कैसा दिखता है. Fresh air कैसे feel होती है? So next is bear. You see me in circus, dancing and jumping, throw rings of fires. You clap and enjoy. Do you think that I also enjoy all this? If I do not do this, I will get no food, only get a beating. So now, the bear is saying that मैं क्या करता हूँ? Dance करता हूँ, jump करता हूँ, fiery rings में. और आप क्या करते हैं? क्लैप करते हैं, एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो कहाँ वर्क करता है? सर्कस में वर्क करता है. और आपको क्या लगता है कि वो कैसे एंजॉय करेगा? कि सर्कस में वो एंजॉय कर पाता होगा? नहीं, वो सर्कस में एंजॉय नहीं कर पाता होगा. बट अगर वो ये नहीं करेगा तो उसको फूड भी नहीं मिलेगा. और क्या मिलेगी? जो सर्कस मास्टर है, रिंग मास्टर है, वो उसकी सिर्फ पिटाई ही करेगा. नेक्स्ट इज हॉर्स. You have only seen how fast I run. आपने सिर्फ मुझे देखा है कि मैं कितनी तेज़ी से रन करता हूँ. Have you seen my shoes? क्या आपने कभी मेरे शूज़ देखे हैं? Do you know how much pain I get when they fix the horse shoes on my hooves? So, क्या आपने कभी देखा है कि हॉर्स के भी हॉर्स शूज़ लगते हैं हूव्स में? और वो कैसे लगते हैं? वो हथौड़े से और कीलों से, नेल्स एंड हैमर यूज़ करके वो लोग लगाते हैं. और उसे क्या बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में घोड़े की नाल भी बोलते हैं. तो हॉर्स के हूफ्स में, नीचे पैरों में हॉर्स शूज़ भी लगाए जाते हैं. एंड इट इज़ वेरी पेनफुल प्रोसेस. नेक्स्ट इज मंकीज. दे मेक अस डांस एंड डांस एंड डांस इवन इफ वी डोंट वॉन्ट टू और वी आर इन पेन. दे दैट टू विद एन एम्प्टी स्टमक. सो नाउ द मंकीज आर सेइंग कि वो हमसे क्या करवाते हैं? बस डांस 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 करवाते हैं. अगर हमारा मन नहीं है, इफ़ वी डोंट वॉन्ट टू डू डांस, स्टिल वी हैव टू. एंड इफ वी आर इन पेन, स्टिल वी हैव टू डांस. ऑल्दो वी डांस विद एन एम्प्टी स्टमक, बिना कुछ खाए पिए भी हमें डांस करना पड़ता है. नेक्स्ट इज म्याओ म्याओ म्याओ. आई कैन जस्ट रोम अराउंड एवरीवेयर. चिल्ड्रन लव मी लॉट. They peck me and also give me milk. So now the meow meow, it is a cat. Cat is saying कि मैं तो इधर उधर घूमती रहती हूँ. सभी बच्चे मुझे बहुत ही ज़्यादा लव करते हैं और वो मुझे प्यार भी करते हैं और मुझे क्या देते हैं? मिल्क देते हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी. नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज गुटर गु गुटर गु. डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट टू मी टू फीड मी विथ ग्रेन्स. आपको पता है कि जो पीपल हैं वो स्पेशली मुझे कॉल करके बुलाते हैं एंड मेरे को फीड करते हैं. किससे? ग्रेन से. ग्रेन्स खिलाते हैं मुझे. सो आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी. सो इन द पिक्चर फ्यू एनिमल्स आर हैप्पी बट रिमेनिंग आर नॉट. वाई? बिकॉज दे वर्क फॉर ह्यूमन्स. ह्यूमन्स ने अपने बेनिफिट्स के लिए उनको क्या कर लिया है? कैद कर लिया है. ह्यूमन्स एनिमल्स ऑल्सो हैव राइट to live by their own or they'll be happy if they live in the forest because forest hi unka ghar hai. So government made some national park to protect these animals. What is national park? A national park is a large area of jungle protected by the government where animals can live freely. और क्या है नेशनल पार्क? एक ऐसा एरिया है जिसको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है, जहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं वो फ्रीली रह सकते हैं, उनको कैद करके नहीं रखा जाता है. वी कैन गो देयर एंड एंजॉय द वाइल्ड लाइफ इन अ नेशनल पार्क
नो वन कैन हंट और किल एनिमल्स, और हम वहाँ जा सकते हैं नेशनल पार्क में एंड एनिमल्स को देख सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं, बट नेशनल पार्क में कोई भी किसी भी एनिमल को ना ही मार सकता है ना ही उनका शिकार कर सकता है. सो दे आर सो मेनी नेशनल पार्क्स, हे आर फ्यू नेशनल पार्क्स. फर्स्ट वन इज़ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड. द सेकेंड वन इज़ काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम. सो एनिमल्स को भी उनकी लाइफ जीने का पूरा पूरा राइट है. हमें एनिमल्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, टीज नहीं करना चाहिए और अपने बेनिफिट्स के लिए उनको यूज़ नहीं करना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, हियर वी फिनिश द चैप्टर. होप यू लाइक द वीडियो. थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद अस.